आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर आज अजमेर के रूपनगढ़ में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क का शुभारंभ करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। वहीं मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभुलाल सैनी, सांसद रघु शर्मा और नेपाल में सांसद विनोद चौधरी भी समारोह में शिरकत करेंगे। इस पार्क में किसानों को वाजिब दर पर कोल्ड स्टोरेज समेत कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता मनवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनवीर, आज ये सौगात अजमेर के लिए खासतौर पर काफी कुछ फायदा प्रदेश की जनता को मिल सकता है। और राज्य सरकार की ओर से स्थानीय किसानों को मिली है 130 करोड़ रुपए की लागत से जो मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ के अंदर बनाया गया था, आज उसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री सुंदर कौर के हाथों किया गया है। उसके साथ साथ जो संसदीय सचिव हैं सुरेश रावत वो मौजूद रहे हैं, राज्य सरकार के अंदर मंत्री राजपाल सिंह शेखावत वो मौजूद हैं, स्थानीय जो सांसद हैं रघु शर्मा वो भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर के एक बड़ी सौगात जो आज प्रदेश के किसानों को और खासतौर पर अगर हम अजमेर जिले की बात करते हैं तो वहां के किसानों को मिली है। उनकी फसलों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए आने वाले समय में, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, वो तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर हैं। सुंदर कौर, बिल्कुल कहा जा सकता है मनवीर, एक बड़ी योजना है और बड़ा लाभकारी एक प्रयास प्रदेश की जनता के लिए। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।